हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। कल के व्लॉग में आपने देखा, रात को हमारा इंडिया और पाकिस्तान का मैच था। इंडिया मैच हार गया, थोड़ा सा बुरा भी लग रहा है, लेकिन इट्स जस्ट ए गेम ऑफ क्रिकेट, होता रहता है। और अभी इंडिया की टीम वर्ल्ड कप से बाहर नहीं हुई है, अभी गेम चल रहा है। और मैं आज काम पे गया था थोड़ा सा लेट, लेकिन अभी मैं आ चुका हूँ और मुझे लगी है थोड़ी सी भूख। अभी मुझे क्या खाना है, राइस केक्स विद जैम। जैम 15 ग्राम और 2 राइस केक। ये वैसे मेरा प्री वर्कआउट मील होता है, लेकिन अब आज जिम तो जाने का, क्योंकि जिम में जाने के लिए तो वही स्लॉट बुक कराने पड़ते हैं, और स्लॉट बुक किया नहीं था, कल भूल गए हम, कल भी परसों भी भूल गए। आज के लिए तो आज मेरी छुट्टी है, कल का स्लॉट मैंने बुक कर दिया ट्यूसडे का, तो कल से वर्कआउट स्टार्ट करेंगे प्रॉपरली दोबारा से। और अभी जो कटिंग का पीरियड था वो जा चुका है, अभी गेनिंग स्टार्ट करनी है। और जो नेक्स्ट छुट्टी होगी उस दिन में आपको मैं ना मेरा फुल डे ईटिंग प्लान आपको बताऊंगा, पूरा फुल डे ईटिंग प्लान दिखाऊंगा आपको, ताकि आपको आइडिया हो कि मैं अब दो दो वीडियो बनाऊंगा, एक कटिंग वाली, कटिंग पे क्या खाता था, गेनिंग में क्या खाता हूँ। किसी को फॉलो करनी हो, थोड़ा बहुत आइडिया चाहिए, तो उससे आपको थोड़ा बहुत आइडिया मिल जाएगा। मैं माइक्रो वगैरह ब्रेक डाउन कर दूंगा उसके, कि कितना प्रोटीन, कितना कार्बोहाइड्रेट्स और कितना फैट्स खा रहा हूँ। अभी हम फटाफट से क्या कर रहे हैं, मैं मोनिका बोला राइस केक वगैरह रेडी करने के लिए, वो खा के हम जा रहे हैं क्रिकेट खेलने। मैं जाऊँगा थोड़ा नेट्स लगाऊँगा। तो गाइज, अभी मैं जा रहा हूँ क्रिकेट खेलने, और अभी 6:30 हो चुके हैं, और 6:30 बजे बिल्कुल खाली हो गया है रोड, इतना बिजी नहीं है। 5 बजे 5:30 बजे से लेकर 6 बजे तक थोड़ा सा बिजी रहता है, उसके बाद में कैनबरा में काफ़ी ट्रैफिक कम हो जाता है, बहुत ही क्राउड कम है ना यहाँ पे इस शहर में। तो अभी फटाफट से निकलते हैं और आपको मिलते हैं सीधा क्रिकेट ग्राउंड पे। यहाँ पे इसने कोई और ही बंदा पकड़ा हुआ, आज खेल रहे हैं क्रिकेट। हाँ, तो आज भाई शॉपिंग स्टार्ट हो गई है जैसे लॉकडाउन खुला है। अब बताओ क्या क्या शॉपिंग करके आए हो? ज्यादा नहीं करके आया, थोड़ी करके आया। क्या क्या करके आए बताओ फिर? ये मेरा वो खराब हो गया था चाय गिरने से। अच्छा, हाँ हाँ ठीक है, हाँ ये चेंज करना बनता था क्योंकि मैंने कॉफी गिरा दी थी। बता क्या लेके आई? ठीक है, एक कैंडल लेके आया क्योंकि बाथरूम वाली खत्म हो गई है, वो खत्म हो दूसरा। हाँ, जैसे मैंने आपको पिछले व्लॉग में बताया था ना, मोनिका कैंडल लगा देती है, तो अभी कैंडल एक खत्म हो गई तो नहीं लेके आई। आगे बताओ क्या लेके आए? ये मास्क लेके आया हूँ। अरे इतना ग्रीन कलर का मास्क कुकुम्बर का है ना ये? अच्छा, पैकिंग ऐसे। ओके, ये मैं मेकअप करना सीख रहा हूँ अभी। हाँ, तो ये मेरा उसमें काम आएगा। ओके, ये जो वो उधर ट्रॉफियां रखी हैं सारी। हाँ, इसमें डाल के नीचे रखूंगा। ये जो सामने ट्रॉफी रखी है, हाथ लग के गिरती रहती है, इसके अंदर डाल के नीचे रख दोगे? हाँ, जब किसी को दिखानी होगी तो इसको ऐसे खींचा और दिखा दी। ओके, अब तू मेरे लिए क्या बना रहा है? कुछ नहीं, बना दे। ये तो मैं ये खा रहा हूँ। क्या नहीं, अकेले दही खाएगा? इसकी लस्सी बनाएगा? लस्सी लस्सी तो नहीं, तू मेरे लिए तो एग वाइट बनाने हैं, बना दे। जी, ये हो चुके हैं क्या? हाँ, हो चुके हैं। मोनिका तू बना देगा क्या एग वाइट मेरे लिए? एग वाइट बना दो प्लीज, मुझे तो, मैं तो थक गया। तू कह तो रहा था कि वो बनाते हैं यार, यहाँ डाइट पे वापस आने की कोशिश कर रहे हैं, बंदा बार बार खींच खींच के पनीर पकौड़े खिला रहे हैं ना यार, पनीर पकौड़े नहीं खाएंगे। थक गया यार खेल के क्रिकेट, आज बहुत बैटिंग करी मैंने, 10 ओवर बैटिंग करी आज। 10 ओवर? कितने ओवर है? 10 ओवर, झूठ मत बोलो। 15 ओवर कम से कम, 15 ओवर बैटिंग करी भाई, मजे आए आज वैसे बैटिंग करके। हैं, उतनी तो तूने नहीं करी फिर, क्योंकि तुम मेरे को थोड़ी बहुत स्लो फेंकते रहते हो ना, तो जल्दी निकल जाते हैं ओवर। चलो नेक्स्ट टाइम तेरे को मैं वीडियो रिकॉर्ड करूंगा तेरे ये बोलते हुए। तो भाई हमारा ये रूटीन है डेली का, हम शाम को घर पे आते हैं और ये सामने हमारा टीवी है, यहाँ पे हम व्लॉग देखते हैं, और व्लॉग फिनिश करते ही हम क्या बोलते हैं, टट्टी व्लॉग। बस अब तक मेरे वाले जो व्लॉग हैं वो अभी तक किसने ऐसा नहीं बोला टट्टी व्लॉग। बाकी हम कौन सा उसके पास जाके बोलते हैं कि टी व्लॉग है, हम भी पीठ पीछे बोलते हैं टी व्लॉग है। हाँ, बस मेरे सामने नहीं बोलते, मेरे व्लॉग के लिए शायद, मेरे पीठ पीछे मेरे व्लॉग के लिए भी यही बोलता वैसे। आप इधर को करो कैमरा। हाँ, कर दिया। हाँ, बताता हूँ। हाँ, मैंने आज आपका व्लॉग देखा। हाँ ठीक है,
मैंने कहा कौन क्या चीज आई थी उसमें, एक चीज आई थी, एक मिनट पता नहीं गाइस क्या बताना, कुछ बताना। मैंने उसके व्यू देखे, मैंने कहा व्यू तो एक भी नहीं, कौन सा गाय जाके बताएगा। तो गाइस एक भी व्यूज नहीं है, लेकिन मैं ये सोच के यदि बनाऊंगा कि व्यू आएगा नहीं तो कैसे बात बनेगी। कभी ना कभी मेरे चैनल पे भी मिलियंस में सब्सक्राइबर होंगे ना, तो उतने व्यू भी आएंगे। तो मैं मैंने कहा जो भी ये बोल रहा है कि गाइस प्लीज बताना, मैं कौन सा गाइस बताएगा, व्यू तो एक भी नहीं है दो दिन से। कोई ना कोई तो गाइस होगा यार वहां पे बताने वाला, ऐसी बात नहीं है। मैं अकेला गाइस था वहां पे, फिर तू बता देता, तू गाइस नहीं है, तू गलत थोड़ी है। मैंने कहा बताना तो मेरे सामने बोल, मैं बताऊं, मैं तो तभी बता देता वो कमेंट करके। अरे गाने मत लगा यार, कॉपीराइट आ जाएगा गाने में। तो गाइस आपको पता है कि हम खेल के आ गए थे, आने के बाद थोड़ा थक गया था मैं, अभी मेरे को कुछ काम मिला है यहाँ पे, पनीर। और पनीर के हम क्या बना रहे हैं, पकोड़े। ये पकोड़े नहीं है, हम इसको एयर फ्रायर में एयर फ्राई करेंगे। आपको अभी थोड़ी देर में हम के मार्ट जाएंगे, ये बनाने के लिए हमने मसाला और सब कुछ रेडी कर लिया, लेकिन हमारे पास एयर फ्रायर भी नहीं है। अभी एयर फ्रायर लेने जाएंगे हम कहाँ, के मार्ट। ये हमारे प्रधान है, एयर फ्रायर ढूंढते हुए। एयर फ्रायर इस साइड होते हैं, इस साइड। हाँ ये हमारे प्रधान आ गए, पूछना पड़ेगा मोनिका से, यही था क्या? था, मैंने को पता है, तुझे पता है? हाँ वो इतने का था ना, $59 का। तो गाइस ये है एयर फ्रायर, जहाँ पे आप यदि आपने पकोड़े वगैरह कुछ खाने हैं तो बिल्कुल डीप फ्राई ना करते हुए इसमें आप फ्राई कर सकते हो, तो एटलीस्ट ऑयल आपको नहीं खाना पड़ेगा इतना ज़्यादा। यहाँ पे काफ़ी लगे हैं, बहुत बड़ा साइज़, उससे ही बड़ा साइज़, छोटा साइज़, छोटा साइज़, उससे भी छोटा साइज़, तो काफ़ी हैं यहाँ पे। इनमें से हम लेंगे शायद ये वाला 3.2 लीटर, ये 3.2 लीटर ये साइज़ है ना, या ये, आई एम नॉट श्योर, जो भी है वी आर बाइंग दिस फॉर श्योर। तो गाइस अब हम लेके आ चुके हैं एयर फ्रायर, एयर फ्रायर के साथ साथ हमारी शक्लें भी चेंज हो गई हैं। आप दूध कैसे बने भाई साहब? मैं वहाँ पे पैसे पे करे ना निकल रहा था, वहाँ पे एक लड़की थी, उसने मेरे मुंह पे दबा के चांटा मारा, भूत की शक्ल बन गई। अच्छा तेरा? मैं तो बहुत सियानी भूत हूँ, सियानी भूत। ये सियानी भूत है और मैं हूँ बावली भूत। भूत मैं किसी को नहीं काटती। अभी फटाफट से एयर फ्रायर लेके हम घर चलते हैं, पनीर के खाएंगे, पकोड़े टाइप मतलब एयर फ्राई करेंगे, पता नहीं यार क्या बोलते हैं, बट जो भी करेंगे दिखाएंगे आपको ये, ठीक है? अभी हम ऐसे जाएंगे, मोनिका को बुलाएंगे, देखते हैं मोनिका का रिएक्शन कैसा होता है। जाने पहले पहले एक दूसरे को देख के हम ही ना डर जाएंगे, हम ही ना डर जाएंगे। जब हम निकल चुके हैं घर की साइड, देखो कैसा बंदा गाड़ी चला रहा है, बंदा ऐसा गाड़ी चला रहा है, इसके साथ वाला बंदा भी ऐसा है। आगे रेड लाइट है, ध्यान से। हाँ अंधे थोड़े ना हुए, सिर्फ मास्क ही डाला है। ये वाला ड्रावना लग रहा है, वो बड़ा सब ये जो दो भूत है, भूत ना मेरे तरफ घूम जा भाई। हाँ खोल। ये तो बहुत सुंदर है, कॉम्पैक्ट सा ना, छोटा सा। हाँ। वो किसी ने डिस्प्ले पर रख रखा था, तोड़ा हुआ था वहाँ पे, फिर मैं ये तो बहुत सोना लग रहा है ना। हाँ सो अब इसमें बनेगा माल, इसमें क्या बनेगा मोहित? इनको पकोड़े बोलते होंगे यार, पकोड़े बनेंगे। हाँ ये हमने इसकी अनबॉक्सिंग ऑलरेडी कर दी है। ये लो सर, मच्छी भी लगती है इसमें, मच्छी। भाई साहब मच्छी मुच्छी नहीं बनेगी घर में, वेजिटेरियन के लिए है कहीं इसको। वेजिटेरियन है यहाँ पे कोई अपने नहीं, कोई बात नहीं, वो टेम्परेचर होता है उसके ऊपर।